हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ माधव की रसोई में। तो आज देखो हम क्या बना रहे हैं। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं ये पास्ता, और ये पास्ता सभी बनाते हैं। आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सभी लोग घर पर पास्ता बनाते हैं, लेकिन मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगी। तो चलो करते हैं तैयारी। इसके लिए हमें चलाएंगे गैस। गैस के ऊपर इसको रख देंगे, इसी डोंगे में रख दूंगी, क्योंकि ये इसी डोंगे में मैं इसको उबालूंगी। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सरसों का तेल। इससे क्या होगा कि ये एक एक अलग अलग रहेगा, चिपकेगा नहीं। आप भी बनाते होंगे, लेकिन इसका बनाने का तरीका अलग अलग है। चलो आज बनाते हैं हम नाश्ते में। इसको घोल देंगे अच्छे से। हमारे पास पास्ता बनाने के लिए बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, और ये हमारे पास में प्याज, ये है टमाटर, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम बनाएंगे। इसके लिए हम रखेंगे कढ़ाई, और इसके नीचे चलाएंगे गैस। पास्ता हमारा उबल चुका है, अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे, हम डालेंगे इसमें ऑयल। हमारा ऑयल गर्म होता है, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पास्ता है, देखो एक एक इसका पीस, बिल्कुल एक एक बिखरा हुआ पूरा पीस है। ये किस लिए है कि हमने इसमें ऑयल डाला था, इसलिए ये एक एक पीस हो रहा है। तो चलो बनाते। ऑयल हो गया गरम, इसमें डालेंगे हम जीरा और हींग, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट प्याज का। इसको हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को। प्याज को हम काट के भी बना सकते थे, लेकिन जो इसका टेस्ट आता है पास्ता के अंदर, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो इसलिए ये मैं पीस के बना रही हूँ, और हमेशा मैं पीस के ही बनाती हूँ इसको, कभी भी बिना पीसे नहीं बनता पास्ता हमारे घर पर। तो बच्चे बहुत अच्छा पसंद करते हैं, इसलिए अब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने कटी हुई सब्जियाँ रखी हैं। हमारी प्याज भून चुकी है, तो ये धुली हुई सारी सब्जियां मैंने धो के काटी हुई हैं, तो इनको पहले डाल देंगे इसके अंदर। ये देखो सब सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं, और उसके बाद में इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इनको देखो प्याज के अंदर कैसे ये मिक्स हो गई है, ऐसा इसको भून के। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये सॉरी टमाटर, टमाटर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, इसको भी हम इसमें चलाएंगे। और इसमें डालेंगे अब हम मसाले। ये हमारा गया धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च हरी मिर्च इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इसके लिए हल्दी पाउडर, और इसको एक तरफ रख देंगे और अपना चलाएंगे इसको। अब इसको पकने देंगे 5 मिनट। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार, जितना टेस्ट पसंद करते हो नमक, उतना इसके अंदर नमक डालें। हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे,
पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, यही सारी चीज़ों मैं बना रही हूँ। बस एक सीक्रेट लास्ट में डालूँगी इसके अंदर मसाला, और इतना इसका टेस्ट आएगा कि आप एक बार अगर इसको बनाओगे ना, फिर बार बार यही बनाने का मन करेगा, ऐसा पास्ता बनता है। तो अब हम इसमें, अब ऑयल नज़र आ रहा है ना इसके अंदर सारा, अच्छे से हमारे टमाटर भी पक चुके हैं, हमारे टमाटर सारी सब्जियां अच्छे से इसमें हो चुकी हैं पक के तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना पास्ता। देखो एक एक दाना दिख रहा होगा, और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। हमारा ये पास्ता बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखो इसका कलर। और अब मैं इसमें डालूंगी लास्ट में, ये हमारे पास है मैगी मसाला, इसका टेस्ट एकदम से बहुत अच्छा आएगा आपको, परफेक्ट टेस्ट बन के ये तैयार हो गया हमारा पास्ता। तो आप ही बनाएं और बच्चों को बड़ों को नाश्ते में पास्ता ऐसे बना के दें ना, इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालने की ज़रूरत है, और सब्जियां भी मनचाही डाल सकते हो इसमें, जो आप चाहते हो, ब्रोकली वगैरह भी डाल सकती है इसमें, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने इसमें मिक्स कर दी। इसी के साथ इसको हम गैस को कर देंगे बंद, और हमारा पास्ता खाने के लिए रेडी। ऐसे बनाएं फटाफट से नाश्ते के लिए पास्ता, ये देखो कितना परफेक्ट और एकदम क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ऐसे ही बच्चों के लिए टिफ़न हो या घर का नाश्ता बनाएं पास्ता, ये देखो। तो हमारा पास्ता रेडी है खाने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, नाश्ते में खाते हैं पास्ता, और मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए सबको बाय, राधे राधे।